Good morning, students. This is the third chapter of class 5GK, and the name of this chapter is Share and Care. So let's start this chapter, Share and Care. You have to read the clues and write the answer. Take the help from the check box. यहाँ पर कुछ क्लूज गिवन हैं हियर एंड यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम दिस चेक बॉक्स. दिस इज द चेक बॉक्स एंड दीज आर द क्लूज. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. इन 1946 इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ वाटरफॉल्स. द वाइल्ड फाउल ट्रस्ट सेट अप on over 400 acres of land. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे. 1946 में कौन सी कंट्री है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा कलेक्शन था वाटरफॉल्स का. वाटरफॉल्स क्या होते हैं. वाटरफॉल्स पानी में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, लाइक दैट डक. ओके, सो उसके लिए उन्होंने द वाइल्ड फाउल ट्रस्ट सेटअप किया 400 एकर लैंड. सो यू हैव टू गिव द आंसर. द वाइल्ड फाउल एंड वेट लैंड ट्रस्ट WWT इज एन इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेट लैंड कंजर्वेशन चैरिटी इन द यूनाइटेड किंगडम. इट्स patron is Prince Charles and its president is Kate Humble. Okay, इसके patron कौन है. Prince Charles है और इसके president है Kate Humble. So you have to write the answer. Let us check the check box. Here is United Kingdom, UK. UK is written here, so we can write here UK. You can also write the full spelling of United Kingdom. Okay, so we can write UK and the United Kingdom is the full spelling. So we can write this also United Kingdom. United Kingdom is the answer. The next question is, it is a protective layer present in the atmosphere between 6 and 30 miles above the earth. This layer protects us from the sun's most harmful ultraviolet or UV rays. These rays can cause sunburn and skin cancer. What is this layer called? अब ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट है, अर्थ के 6 से 30 माइल्स ऊपर अर्थ के ऊपर है. और ये किससे प्रोटेक्ट करती है हमें, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज हैं, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है. हार्मफुल क्यों है, क्योंकि अगर इन रेज के कॉन्टेक्ट में आप आ गए तो आपको सनबर्न और स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है. तो व्हाट इज दिस लेयर कॉल्ड, तो ये लेयर क्या कहलाती है. तो दिस लेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर. सो वी कैन राइट द आंसर. इट इज ओजोन लेयर. ओके, इट इज व्हाट, इट इज ओजोन लेयर. तो ओ ओजोन लेयर इज द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनवायरमेंट एक्सपर्ट प्रिडिक्ट दैट द अर्थ एवरेज टेम्परेचर विल इंक्रीज बिटवीन 1 डिग्री सेल्सियस एंड 3.5 डिग्री सेल्सियस इन द 21st सेंचुरी. दिस कुड लीड टू अ राइज इन सी लेवल विथ डिजास्टर कंसिक्वेंसेस. वॉट इज दिस.
अब एनवायरनमेंट एक्सपर्ट ने क्या प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 21st सेंचुरी में वो एवरी ईयर हर साल 1 डिग्री से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। और ऐसा होने से सी लेवल क्या होगा, आपका ग्लेशियर जो है, जो हिमालय में बड़े बड़े माउंटेन्स में जो ग्लेशियर होंगे वो क्या होंगे, उसके कारण वो मेल्ट हो जाएंगे, उनमें जमी बर्फ मेल्ट हो जाएगी और उसके कारण नदियों में बहुत पानी आएगा और वो पानी कहाँ जाता है, वो वाटर जाता है सी में, तो सी लेवल क्या होगा, उससे राइज होगा और जिसके कारण बहुत से डिजास्टर कंसिक्वेंस होंगे, दैट मीन्स बहुत सारी हानियां होंगी, जैसे कि बहुत सारे शहर जो कि समुद्र किनारे हैं वो डूब जाएंगे। तो ये किसके कारण है, तो स्टूडेंट्स ये किसके कारण है, दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। आप चेक बॉक्स में देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग लिखा हुआ है, तो दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ प्रोसेस नीडेड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ये ऐसी प्रोसेस है जो कि अर्थ में लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, होने के लिए बहुत ही जरूरी है। सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस, दे लेट द रेज ऑफ द सन पास थ्रू द अर्थ सरफेस बट होल्ड इन द सम ऑफ हीट दैट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ। What is this process called? अब क्या होता है, सन से आने वाली जो हीट है वो हमारे अर्थ में आती है और फिर वो क्या होती है, वापस ट्रांसफॉर्म होती है अर्थ सन की तरफ, ठीक है ना, वो वापस से ट्रांसफॉर्म होती है, अर्थ से बाहर जाती है। तो पूरी की पूरी हीट अगर बाहर चली गई तो हमारा अर्थ एकदम ठंडा हो जाएगा, दिन में गर्म रहता है लेकिन जैसे रात होती है तो अर्थ, अगर वो हीट हमारे अर्थ में ना हो तो हमारा अर्थ बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा और ऐसा हो गया तो हमारे अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुछ गैसें हैं जो कि एक ग्लास वॉल की तरह काम करती है ग्रीन हाउस में और क्या होता है उससे वो सन की जो पूरी हीट है रेस को तो पास होने देती हैं, सन रेस को वो वापस अर्थ से पास होने देती हैं अर्थ के सरफेस से, पर कुछ हीट को वो क्या करती हैं कि एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये इफेक्ट कहलाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। The next question is, in 1971, a group was formed in USA and Canada to care for the environment and to resist peacefully any action that harms the earth. It has also protested against the killing of fish and seals. What is this group called? 1971 में एक ग्रुप फॉर्म हुआ यूएसए में, यूएसए क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ओके, और कनाडा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एनवायरनमेंट को पीसफुली रेजिस्ट करने के लिए कि अर्थ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अर्थ में पीसफुल रहे, तो उसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई और उसमें क्या किया गया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने विरोध किया कि व्हेल्स और सील्स को ना मारा जाए। तो यह ग्रुप क्या कहलाता है, यह ग्रुप कहलाता है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस कहलाता, तो ग्रीन पीस क्या है स्टूडेंट, ग्रीन पीस एक गैर सरकारी संस्था है जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड के एमस्टरडम में है और इसकी नींव पड़ी 1968 में कनाडा के वैंकूवर में, जब अमेरिका ने अलास्का में कई परमाणु परीक्षण करने की घोषणा करी। फिर मई 1972 में इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर ग्रीन पीस रख लिया और यह पर्यावरण संरक्षण पर काम करने लगी। द
The next and last question is, this is a very popular movement started in India by Sundar Lal Bahugana at Garhwal. Sundar Lal Bahugana ने जो गढ़वाल में मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट था. और किसके लिए था ये मूवमेंट? पेड़ों को बचाने के लिए. इन दिस मूवमेंट पीपल एम्ब्रेस द ट्रीज एंड डू नॉट अलाउ देम टू बी कट डाउन. तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा, इन्होंने क्या किया था कि जब भी कोई पेड़ काटने आता था तो लोग क्या करते थे कि पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और लोग पेड़ों को काटने नहीं देते थे. तो ये मूवमेंट क्या था? यह मूवमेंट था चिपको मूवमेंट. सो यू कैन राइट द आंसर द चिपको मूवमेंट. अब चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जो कि उत्तराखंड में हुआ था और इसमें सबसे ज्यादा रोल फीमेल्स का था. इसमें मेल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और मेन इसके जिन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वे थे गौरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बच्छनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट एंड विरुष्का देवी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उत्तराखंड में यह मूवमेंट चलाया था. तो स्टूडेंट, इसे आप अच्छी तरह से कर लेना इस चैप्टर को और इसे आप अच्छी तरह से पढ़ना. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, ईच अगस्त अ होल इन अ ओजोन लेयर फॉर्म्स ओवर अंटार्कटिका इज यूजुअली क्लोज बाय दिसंबर. Since its discovery in 1980s, it has doubled to about the size of North America. अब देखिए, ओजोन लेयर जो हमें किससे बचाती है, ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है बताइए? सूरज से, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट वायलेट रेस से बचाती है. और उसमें अब होल हो चुका है और ये होल कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में 1980s में. अब बोलते हैं कि हर अगस्त में जो होल फॉर्म होता है और दिसंबर में लगभग क्लोज हो जाता है. तो ये डबल भी हो गया है, अब नॉर्थ अमेरिका में इसका साइज डबल हो चुका है. तो स्टूडेंट्स, ये किस कारण से होता है? ऐसी गैसेस जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी गैसेस को हमें क्या करना है? यूज करना बंद करना है. जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो उनका में जो गैस होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो क्या करता है? ग्रीन हाउस में जो ओजोन लेयर बना हुआ है ना सबसे ऊपर, ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर में होल बनाने का काम करता है. एसी आप चलाते हैं तो एसी से भी ओजोन लेयर में नुकसान पहुंचता है क्योंकि उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है. तो स्टॉप यूजिंग, बहुत सारी चीज़ों को आप स्टॉप करिए यूज़ करना और नेचुरल हैबिटेट में रहना सीखिए. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.